आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। कोटा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विपिन कुमार ने सोमवार को गंगधार सीओ क्षेत्र के गंगधार वडक थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएलजी सदस्यों से रूबरू होकर समस्याओं को सुना। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक रामूर्ति जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। पुलिस महानिरीक्षक सुबह 11 बजे पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र सिंह व क्षेत्रीय अधिकारियों का लेकर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद आईजी गंगधार थाना परिसर पहुंचे, जहां एसआईएचओ सुरजीत सिंह के जवानों ने गार्ड ऑफ सलामी देकर स्वागत किया। इस दौरान आईजी ने थाना परिसर का निरीक्षण कर सीएलजी की बैठक ली, जिसमें सीएलजी सदस्यों से रूबरू होकर उनकी समस्या को सुना। आईजी विपिन कुमार ने बताया कि गंगधार क्षेत्र में वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें पुलिस जवानों सहित क्षेत्रवासियों की समस्या जानी, जिस पर उपयुक्त कार्य प्रणाली तैयार कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। खबर आपकी राजस्थान से मनोज कसेरा की स्पेशल रिपोर्ट। आज सर्किल का गंगधार सर्किल के वार्षिक निरीक्षण होता है, हमें करने होते हैं रैंडमली, सारे जिलों में दो दो तीन तीन सर्किल करना होता है। उस हिसाब से गंगधार का आज मैंने वार्षिक निरीक्षण किया और साथ में जो सर्किल के जो तीनों थानाधिकारी हैं उसकी क्राइम मीटिंग भी। इसका उद्देश्य होता है कि साल भर पिछले साल किस तरह का कार्य प्रणाली रही, क्या चैलेंजेज रहे, क्राइम के ट्रेंड क्या है और आगे आने वाले समय में किस ढंग से उसको ठीक करना है, इम्प्रूवमेंट करनी है, पीछे का काम देखते हुए आगे के लिए चुनौतियाँ हैं उसको किस ढंग से सामना करना है, किस ढंग से तैयारी करनी है, इस चीज़ को देखने का ये एक जरिया होता है। इसमें हर एक चीज़ को देखे जाते हैं, क्राइम को भी देखते हैं, संसाधन भी देखते हैं, क्लिनलीनेस भी देखते हैं, इनकी भी समस्याएं सुनते हैं, जवानों की भी समस्याएं सुनते हैं, सब कुछ देखने का, क्योंकि हर एक जगह आईजी के लेवल पर जाना संभव नहीं होता। इससे पता चलता है कि क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं, लोगों से भी मिलने का कार्यक्रम था, लोगों से भी मिलिए। जहाँ तक क्षेत्र के क्राइम पैटर्न की बात है तो सीमावर्ती जिले हैं, कुछ इंटर स्टेट वाली क्राइम्स यहाँ पर हैं, उसकी वजह से कुछ समस्याएँ भी हैं, अपराधी अपराध करके चले जाते हैं, उन चीज़ों पर चर्चा हुई है। कुछ एक दो केस इंपॉर्टेंट केस हैं सर्किल में जो पेंडिंग है, उनके बारे में भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उसका निस्तारण हो और आम जन से मिल के उनकी समस्याओं का समाधान करें। छोटा कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, छोटा कस्बा है, पंचायत है, लोगों से मेल जोल रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखें, ये इसी बात सभी।